बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। यार आपने वो कहावत सुनी हुई है, आम बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, मैं तेज बोल गया हूँ शायद। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ओ भाई, रुपया नहीं सबसे बड़ा है, डॉलर सबका बाप है। सबसे सबके बाप से मुराद ये है कि जितनी भी करेंसी हैं, अभी हम पाकिस्तान के मुताबिक बात करेंगे ना भाई। रुपया बाप भरा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया कैसे बड़ा हो सकता है? रुपया रुपया की तो कदर दिन ब दिन आपको पता कम हो रही है। अभी 125 होंडा बाइक की बात कर लें, मैं आपको जो अभी बजट में ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुतल्लक कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें हैं जी, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। अभी होंडा 125 बाइक है। हम परदेसी भाई, पंजाबी भाई खासकर आम इसके मुतल्लक जानते हैं। मैंने ली तकरीबन जब मैं पाकिस्तान में आया 1,55,000 की, अभी 2,35,000 या 2,40,000 के अराउंड में है। यानी कि अगर हम नंबर वगैरह डालकर कंप्लीट बात करें तो 2,50,000 तकरीबन बन जाएगा। ठीक है, इसी अराउंड में ना, 2,30,000 से ऊपर ही है। तो बात क्या है, रुपया की कदर कम हुई, चीज़ की वैल्यू बढ़ गई। यार बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया सबसे बड़ा नहीं है, डॉलर। हाँ ऐसे बोल रहे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा डॉलर। हाँ ये बात समझ में आएगी अभी। बहरहाल अच्छा भाई, भाई तू कॉल कर ले दरमियान। अच्छा ये बात यह है कि बजट 2023-2024 में तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन किस्म का पैकेज रखा गया है। अच्छा ये बेहतरीन का पैकेज जो है ना, बेहतरीन किस्म का पैकेज ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। अच्छा आपको आपको क्या लगता है ये बेहतरीन पैकेज है, ये मुझे ज़रूर बताना है आपने। अच्छा है क्या, आपको पता है हम सऊदीया से, ज़्यादातर मेरी वीडियो सऊदीया में देखी जाती हैं, या दुबई वगैरह कहीं से भी आप, या किसी यूरोप कंट्री से भी, जो भाई ओवरसीज तमाम की बात कर लेते हैं, जब पाकिस्तान में आते हैं हम तो अपने साथ हम डॉलर, रियाल, दरहम, दिनार वगैरह लाते हैं ना, पाकिस्तान में आकर एक्सचेंज करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास 10,000 रियाल है, जब आपने छुट्टी आना है, चलो अभी नहीं है, जब छुट्टी आना है तो उस टाइम अगर आपके पास 10,000 रियाल होगा तो आप अभी सऊदी अरब से 10,000 रियाल अगर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको आपका आपके वो पैसों का, और पाकिस्तान में अगर आप वो 10,000 रियाल लाकर चेंज करवाएंगे, डिफरेंट पता क्या होगा, 50,000 रुपये का। हकीकत बात है, जो मेरे भाई मेरी एक्सचेंज रेट वाली वीडियो देखते हैं ना, वो बखूबी जानते हैं। भाई अपने किसी रिश्तेदार दोस्त भाई को पूछ लीजिएगा, पाकिस्तान में किसी एजेंट के पास चला जाए, किसी डीलर के पास चला जाए, जाकर रियाल का रेट पूछ ले। अगर डॉलर है आपके पास भाई तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं जी, आपकी आपकी तो चांदी होगी है। बहरहाल जी, बजट में ये ऐलान किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। मैं एक कल वीडियो शेयर करूंगा, उसमें मोबाइलों के मतलब भी डिटेल से बता दूंगा। क्या बताऊंगा आपको, पता है जैसा कि मोबाइल हम लाते हैं और शक्कर, वो 60 दिन के बाद 90 दिन के बाद शक्कर बांधा जी, जाओ अपना काम करो, उतने का मोबाइल नहीं है, उतना टैक्स पे करो, फिर चलेगा ये, अब PTA अप्रूव कराओ जी। अच्छा बात यह है यार के बजट में ये ऐलान किया गया है कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, अगर वो अच्छा इसमें रियाल भी शामिल है, हालांकि डॉलर का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर आप रियालों में भी ये काम करेंगे तो फिर भी बेस्ट है। अच्छा आप वैसे आप आपको पता है आप रांची बैंक में चले जाएं, इंजाज में चले जाएं, आपके पास 5,000 रियाल है, उनको दें, उनको बोले मुझे इसके मुतबादल डॉलर दे दें, वो आपको डॉलर दे देंगे। पाकिस्तान वाला निज़ाम नहीं है, डॉलर क्यों लेने हैं, किस लिए लेने हैं, है ही नहीं है। और एजेंटों से बाहर से लेंगे तो अगर स्टेट बैंक में 286 रुपये रेट है तो बाहर ओपन मार्केट में 315 का मिल रहा है, ऐसा निज़ाम नहीं है, आपको वहाँ बैंक से ही डॉलर मिल जाएंगे। अक्सर फिलिपीनी भाई लेते भी हैं। अच्छा अगर आप डॉलर साथ में ले जाएँ वो भी बेस्ट है। अच्छा डॉलर को लेकर ये बयान जारी किया गया जी हमारे बाकायदा वजारत खजाना की तरफ से कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आकर मिसाल के तौर पर कोई प्लाट लेता, हम ज़्यादातर परदेसी पाकिस्तान में सरमायाकारी किधर करते हैं, कोई प्लाट ले लिया या कोई ऐसी चीज़ और ले ली या जिसकी मालियत बढ़ती रहे और ज़्यादा नुकसान वाला मसला भी ना बने, हाँ वो अलग से मामला है, को कब्जा कर लिया को और फड्डा बन जाए। अच्छा ये आपने करना है, आप वहाँ से आते हैं डॉलर वगैरह या रियाल लेकर, आपने मिसाल के तौर पर कोई प्लाट लेना है, प्लाट आप वहाँ से डॉलर लाते हैं साथ में या रियाल लाते हैं, तो आप पाकिस्तान में आकर एक प्लाट लेते हैं या एक घर ले लेते हैं बना बनाया, या इसी से रिलेटेड कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर नई गाड़ी लेते हैं, बैंक से बुक करवाते हैं, नई गाड़ी लेते हैं या किसी और से को गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं, तो उस सूरत में अगर वो अदायगी आप भाई डॉलर में करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने एक बंदे से प्लाट लिया है 20 लाख का, तो 20 लाख के कितने डॉलर बनते हैं वो मैंने कैलकुलेट कर लेना है, उस बंदे को साथ लेना है और बैंक में चले जाना है, बैंक में जाकर उतने डॉलर रखने हैं बैंक के टेबल के ऊपर, और उनको बोलना है कि मैंने इस बंदे से
20 लाख का प्लॉट लिया है, ये रहे 20 लाख के डॉलर, आप इनको 20 लाख रुपया दे दें। बैंक आपसे 20 लाख डॉलर के जितने डॉलर बनेंगे वो उठाएगा, उस बंदे को 20 लाख रुपए दे देगा, आपका प्लाट की रकम वसूल होगी, बकायदा रसीद चेक वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो गया, प्लाट आपके नाम के ऊपर आपने करवा लिया, ओके गुड। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये होगा कि जो टैक्स पड़ेंगे, मिसाल के तौर पर 20 लाख के प्लाट के ऊपर अगर 1.5 लाख रुपए हमें पड़ रखा है जी, ये टैक्स है जी, ये आपने 20 लाख का प्लाट लिया इसमें 1.5 लाख रुपए टैक्स है, इसमें 70,000 रजिस्ट्री का है, 20,000 आपके नाम के ऊपर है, ये वो, यानी कि अगर 1.5-2 लाख रुपए हमें उसके ऊपर पड़ रहा है ना, तो वो हुकूमत उसमें टैक्स मुआफ करेगी और आपको वही 70-80 ज्यादा से ज्यादा 1 लाख का आपका खर्चा होगा, आपको 1 लाख या 1 लाख प्लस में इस चीज से फायदा हो जाएगा। एक तो ये इसकी चीज होगी, यानी कि हुकूमत ने ये एक अच्छी ऑफर करवा दी है तमाम प्रदेशों के लिए। अगर आप पाकिस्तान में आकर कोई भी किसी किस्म की सरमायाकारी डॉलर में करते हैं तो उसमें आपको टैक्स मुआफ होंगे, यानी कि मुआफ से मुराद ये है अगर 1 लाख रुपए चीज के ऊपर टैक्स है तो आपसे 20,000-25,000 ऐसे लिया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मकान के ऊपर आपने बिल्डिंग बनानी है तब भी यही मामला है, गाड़ी लेनी है तब भी यही मामला है, मैंने आपको बता दिया, साफ कर दिया। लेकिन एक चीज यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, डॉलर अगर हम बैंक में लेकर जाते हैं तो बैंक हमसे डॉलर रहेगा आज के रेट के मुताबिक, यानी कि आज का जो रेट है 285.47 तकरीबन, ठीक है, 285.50 में ले लेगा हमसे। तो ओपन मार्केट में डॉलर भाई हम अगर किसी एजेंट को जाकर दें तो ओपन मार्केट में डॉलर, अभी एजेंट तो 310 रुपये में ले रहा है, 25 रुपये ज़्यादा एक डॉलर के पीछे, तो यार ये चीज़ भी तो सोचनी चाहिए ना गवर्नमेंट को, यानी कि ओपन मार्केट और स्टेट बैंक का रेट का 2-3 रुपये का डिफरेंट हो फिर तो बात समझ में आती है, अभी 20-25 रुपये का डिफरेंट है तो फिर तो ओवरसीज आपको डॉलर देंगे बैंक में तो ज़ाहिर सी बात है उतना नुकसान आपका उधर से भी वो कर लेंगे। बहरहाल अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा इसके मुतालिक, मोबाइल्स वगैरह के मुतालिक इंशाल्लाह कल मैं वीडियो